जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट्स एडमिट कार्ड 2021 के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, जो कि आप लोग 14 जुलाई 2021 से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक डाउनलोड कर पाओगे। इसको कैसे डाउनलोड करना है, इसका प्रोसेस मैं आपको पूरा इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका डायरेक्ट लिंक है। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर टू डाउनलोड ई एडमिट कार्ड क्लिक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। यहां पर आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस माध्यम से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं, बाय यूजिंग रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर रोल नंबर। तो अभी आपके पास रोल नंबर तो होगा नहीं, रजिस्ट्रेशन आईडी ही है, इसलिए आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन आईडी सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिला था। यहां पर आपको अपनी डीओबी सिलेक्ट करनी है, पहले डे, इसके बाद में मंथ और फिर यहां पर ईयर। ये सिलेक्ट करने के बाद यहां पर अपना कैप्चा कोड भर दीजिए, जो कि यहां पर दिया जा रहा है। फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डायरेक्टली आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप यहां पर देख लीजिए, ये 2021 का ही एडमिट कार्ड है, जिसमें कि आपकी एग्जाम डेट 8 अगस्त 2021 रखी गई है। रोल नंबर भी यहां पर दिया गया है, आपका जो वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन है उसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, और जो आपके सब्जेक्ट है वो आपको यहां पर देखने को मिल पा रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि कृपया नोट करें कि परीक्षा के प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले परीक्षा स्थल पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। यानी कि आपको वहाँ पर 9:50 पर सुबह के वक्त, इसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और दोपहर की जो शिफ्ट का आपका एग्जाम है, उसमें आपको 1:50 के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी, इसलिए आपको उसके पहले ही वहां पर रिपोर्ट करना होगा। और साथ ही दोस्तों, यहां पर जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, जो कि हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही है, आपको एक एक करके इनको अच्छे से रीड करना है, और इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम को अटेंड करना होगा। जो चीज़ यहां पर आपको ले जाने को बोली है, वो लेकर के आपको जानी होगी, और जिस चीज़ के लिए आपको मना किया है वो चीज आपको वहां पर लेकर के नहीं जानी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको एग्जाम सेंटर के अंदर परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जैसे कि जो आपको मेन चीज वहां पर लेकर के जानी है, आपको ये बोला कि उम्मीदवारों को अपने इस्तेमाल के लिए पारदर्शी शीशी छोटे आकार की में हैंड सैनिटाइजर लाना होगा। ये आपको वहां पर लेकर के जाना है। आपको मास्क लगा करके जाना होगा, और साथ ही जो भी कोविड-19 के रूल्स है वो आपको सभी को फॉलो करना होगा। इंस्ट्रक्शंस आपको इंग्लिश के अंदर भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। अभी बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट के बारे में जो कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं, वो उसको कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर है फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर करना है, जो कि आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार और जो आपने फॉर्म भरते समय इस्तेमाल किया था उसके अनुसार होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर जो आपका फादर नेम है वो भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना होगा। यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डीओबी सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर डे, इसके बाद में मंथ और इसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है, कैप्चा कोड आपको फिलअप कर देना है। मैं इसको आपको सामने फिलअप करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर इसको फिलअप कर लिया, और फिलअप करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखो रजिस्ट्रेशन आईडी हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, यानी कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपकी ईमेल के ऊपर और मोबाइल नंबर के ऊपर सेंड कर दी गई है। अब वहाँ से आप उसको चेक करके यहाँ पर जो प्रोसेस मैंने अभी आपको एडमिट कार्ड के डाउनलोड करने का बताया है वो कर लीजिए। अगर आप मेरे द्वारा अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कराना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। सर्च करने पर आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, और नीचे की तरफ आकर के आपको कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, ईमेल आईडी देनी है, अपना व्हाट्सअप नंबर देना है। यहाँ पर मैसेज में आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और जो आपकी डीओबी है वो आपको एंटर करके सबमिट करनी है। फिर आपकी डिटेल्स मेरे पास आ जाएगी, और मैं आपका एडमिट कार्ड का पीडीएफ व्हाट्सअप या फिर आपको ईमेल कर दूंगा। तो इसी प्रकार से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे, और प्रकार से आप मेरे द्वारा अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करा सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।